दिस इज जी एक्स, फर्स्ट थिंग इज जी एक्स, जी टी बेसिकली इट इज टी ओवर हियर एज द वेरिएबल, है ना, एक्स नहीं है तो इसे जी टी बोलेंगे, ये पी टी है. सो पी टी इज पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल टी इज इक्वल टू 2t^4 प्लस 3t^3 2t² माइनस 9t माइनस 12 एंड दिस इज जी टी मीनिंग डिवाइजर. डिवाइजर इज t² माइनस 3. डिग्री चेक कर लो एक बार, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लो पावर का वेरिएबल की. सही लगा है 4, 3, 2, 1, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्वायर ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म. नाउ डिवाइड करो 2t^4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 t² माइनस 3. वाट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय t² टू गेट दिस 2t^4. सो 2t² 2t² इंटू t² इज 2t^4 माइनस 3 इंटू 2t² इज इक्वल टू माइनस 6t² 6t² इज टू बी रिटन हेयर माइनस 6t² नो प्रॉब्लम. माइनस दिस इज प्लस, ये कट गया, ये आएगा 3t³. देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12 नो प्रॉब्लम. t² में क्या मल्टीप्लाई करें, ये आए प्लस 3t 3t इंटू t² इज 3t³ माइनस 3 इंटू 3t इज माइनस 9t माइनस प्लस बोथ कैंसिल. सो दिस इज 4t² माइनस 12. अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4t² मिले, ओनली प्लस 4 प्लस 4 इंटू t² 4t² 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12. सो दिस इज पॉजिटिव, सॉरी दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव आफ्टर चेंजिंग द साइन. सो वी आर हैविंग रिमाइंडर इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर एक्स इज इक्वल टू 0 देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. कोई प्रॉब्लम, ये ऐसे करना है. दिस इज पी एक्स. पी एक्स इज इक्वल टू 3x^4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 राइट एंड दिस इज जी एक्स. जी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1. नाउ वी हैव टू डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स. सो 3x^4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 एंड दिस इज x² प्लस 3x प्लस 1. ठीक, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये है 3x² 3x² इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3x^4 मिलेगा. सो 3x² इंटू x² इज 3x^4 3x² इंटू 3x इज 9x³ प्लस 9x³ 3x² प्लस 1 इज 3x² ओनली. सो प्लस 3x², कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस 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 सो ये कैंसिल. 5x³ माइनस 9x³ इज इक्वल टू माइनस 4x³ माइनस 7x² माइनस 3x² इज माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2. अब इसमें माइनस 4x मल्टीप्लाई करना है. माइनस 4x मल्टीप्लाई करने में माइनस 4x³ मिल जाएगा. तो माइनस 4x मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4x³ माइनस 4x प्लस 3x इज माइनस 12x² सो माइनस 12x² प्लस 1 माइनस 4x इज माइनस 4x ओनली. सो दिस इज प्लस. नाउ प्लस प्लस ये कैंसिल. सो प्लस 12x² माइनस 10x² इज 2x² प्लस 2x प्लस 4x इज प्लस 6x प्लस 2. यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो हमें 2x² मिले सिर्फ 2 से. सो 2 इंटू x² इज 2x² 2 इंटू 3x इज 6x 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 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 तीनों कैंसिल. सो विल बी हैविंग 0 ओनली एज ए रिमाइंडर. सो यहाँ पे हमें पता चल गया सिंस रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज नील देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. पी एक्स इज इक्वल टू x^5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू
x cube minus 3x plus 1. Yes. Now dividing px by gx, we'll be having x square 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 inside and x cube minus 3x plus 1 outside. Right? इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर फाइव. इसमें इसको इसके इससे मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब. इसको इससे मल्टीप्लाई करो सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस. सो दिस विल बी कैंसिल्ड. माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब. डोंट रिपीट. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस थ्री एक्स प्लस वन. ये सेम है, कुछ फर्क है हल्का सा. क्या मल्टीप्लाई करने पे माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा. सो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन. तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज प्लस. ये कैंसिल टू आएगा. रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो सिंस आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. देयरफोर जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स पॉलीनोमियल प्रॉब्लम.